हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज सॉल्व कर रहे हैं ISIM स्टैट का PSA का 2024। और आज सॉल्व कर रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। ठीक है, इक्वेशन दिया है, दोनों इक्वेशन आपको निकालना है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द टू सर्कल। सो सर्कल नंबर वन है x² + y² - 4x, रीराइटिंग करके हम लोग इसे लिख सकते हैं x - 2² - 4 + y² = 0। सो x - 2² + y² = 2² सर्कुलर फॉर्म। ये पास सेंटर हो गया 2, 0 और रेडियस हो गया 2। दूसरा है 2x², ये लंबा वाला जो है, सो इसे हम लोग लिखेंगे x² + y² मतलब x² + 2x + y² - 5/2y = 0। सो x + 1² - 1y - 5/4² 25/16 = 0। तो ये यहाँ से दे देगा x + 1² y - 5/4² 41/16। ठीक है, ये हो गया -1 और 5/4 और ये हो गया √41/16। दो सर्कल का फटाफट निकल गया। निकलने के बाद अब क्या हो रहा है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 0 एंड -1, दिस इक्वेशन ऑफ लाइन जो ये दोनों से पास करता है, क्या होगा m = 5/4, 0 -1 - 2, ये -5/12। इसी को पॉइंट को देंगे y - 0 - 5/12 x - 2, यहाँ से आ गया -5x/12 और इधर आ गया 5/6। अब दोनों साइड को 12 से हम लोग अगर क्लियर फ्रैक्शन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 12y। सो 5x एकदम से लिख देता हूँ, 12y = 10। ये तो भाई कोई ऑप्शन से मैच नहीं कर रहे हैं तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये सब पे मैं हमेशा ही बोलता हूँ चेक करना शुरू करो लास्ट वाले से, अगर ऑप्शनल चेकिंग हो तो लास्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, सो डी वाले से अगर चेक करना शुरू करेंगे, डी है 4 × x + 1, ये जो है इसमें एक्सपेंड कर देंगे इसको, एक्सपेंडिंग द ऑप्शन डी। आप किसी से भी शुरू कर सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा ऑप्शन भी है इसीलिए मैं इससे ले रहा हूँ, लकी हुआ तो इससे हो जाएगा। सो 4x + 5y - 4xy + 5x + 8y - 10 = 0। ठीक है, तो ये 12y + 5x = 0 हो गया। सो 5x + 12y = 10। तो डायरेक्ट भाई इसी से ही लकीली हो गया, बाकी में भी आप डाल के देख सकते हैं, वहाँ से नहीं आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है